हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक टीवी। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस के तीन ऐसे सेटिंग के बारे में जिनके बारे में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। अगर ये तीनों सेटिंग आप इनेबल कर लेते हैं, आपका जो कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा, यानी हैक होने से बच जाएगा, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में अनवांटेड चीज़ें इंस्टॉल होना बंद हो जाएंगी। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस दौरान कोई भी ऐसा पॉपअप ओपन होता है, उस पर हमने जैसे ही क्लिक करा तो आपके कंप्यूटर में वो चीज़ बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि हमने ये चीज़ इंस्टॉल किया ही नहीं, फिर भी हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ कैसे आ गया। तो हैकर जो है इसी मेथड का यूज़ करते हैं, आपके कंप्यूटर में अनवांटेड चीज़ें इंस्टॉल करवाएंगे, फिर वहाँ से आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपनी तरफ यानी लीक करेंगे। तो ये चीज़ आपको इनेबल करके रखना ज़रूरी है। तो अगर आप NPAB इंस्टॉल कर रखे हैं, ये तीनों फीचर आपको उसमें मिल जाएगा। हमें जानकारी न होने की वजह से हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से इन तीनों सेटिंग को आपको इनेबल करना है, जिनसे आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर हैक होने से वो बच जाएगा। तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी तक इस चैनल अमित टेक टीवी को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के और भी नॉलेजबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आप ऑलरेडी रहेंगे। अब आपको चलना है वेब सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। सिंपल से आपको वेब सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर कहीं भी जो ऑफ ऑप्शन है कहीं भी आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, तो जो रेड है ये ग्रीन हो जाएगा। अब बात करते हैं फायरवॉल आपको इनेबल क्यों करना है। फायरवॉल अगर आप इनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके PC में जो आप इंटरनेट यूज करने के दौरान अनवांटेड चीज़ें जो इंस्टॉल हो जाती हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी लिंक आपको मिल जाता है इंटरनेट यूज करते दौरान और उस पर क्लिक करते हैं तो कोई भी बिना परमिशन दिए वो चीज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसी मेथड के थ्रू आपके कंप्यूटर को हैक भी किया जाता है। जैसे कि आपको कोई भी लिंक देंगे, वो लिंक पर जैसे या फिर कोई भी ऐड आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में बिना अनवांटेड यानी आपके बिना परमिशन को वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, और उस पर अगर आप अपना कोई भी डिटेल फिल करते हैं तो वो चीज़ सामने वाले हैकर के पास पहुंच जाते हैं। इसी थ्रू आपका जो कंप्यूटर है वो हैक हो जाता है। तो सेकंड टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर शॉपिंग, आपको सिंपल से इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर शॉपिंग स्टार्टेड। ठीक, सिंपल से आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्शन आपको मिलने वाले हैं, जैसे सिक्योर एंड सेफ शॉपिंग, इस तरीके से जितने भी प्रोडक्शन इसमें मिलने वाले हैं सारे की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो आपको सिंपल से क्लोज कर देना है इसको। और थर्ड हमारा है लास्ट यहाँ पर सिक्योर सर्च। ठीक, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद सिंपल से आपको ओके कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी सर्च करेंगे तो अनवांटेड चीज़ें आपके कंप्यूटर में यानी सर्च नहीं होगा, और शॉपिंग करने के दौरान आपके डेबिट कार्ड वगैरह का जो भी डिटेल है वो लीक नहीं होगा। और साथ में फायरवॉल से हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने देखा कि बहुत आसान तरीके से ये तीनों फीचर को आपको कैसे इनेबल करना है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी तक इस चैनल अमित टेक टीवी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के और भी नॉलेजबल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।